साइडों के बेटे यहाँ पे पोदो को नॉकडाउन करा वापस से पान सिंह ने मिनी 14 के सिंगल टैप से एंड फिनिश भी करा मोगाम्बो को एंड वही कितने ओपन में यहाँ पे मोगाम्बो एंड सिंगल टैप से फिनिश करेंगे पान सिंह वापस से इस वाले मैच में अगर वापस आने पावर गेमिंग को तो ऊपर एक नॉक लेना पड़ेगा उन्हें बट अगर आप देख सकते हो दो प्लेयर वहां पे उस वाली डासिया में एस्केप कर चुके हैं पान सिंह वहां पे कुछ नहीं कर पाए बट वहां पे मेगा वहां पे फाइट होती हुई एमजीजेड की रिवेंज के स्क्वाड से प्ले जोन से यहां पे बहुत सारे प्लेयर्स लॉकडाउन फिनिश होते नजर आएंगे बट वहां पे अक्षय को फिनिश करा सूर्या ने बट यहां पे रुकेंगे तो फनाटिक का स्क्वाड आपको छोड़ेगा नहीं अगर यहां पे एक ड्रिफ्ट हुई तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है फुल पावर का स्क्वाड एंड देयर यू कैन सी पूरा की पूरा स्क्वाड फुल पावर का एलिमिनेट होता हुआ यहां पे फनाटिक कोई वो बंद की तरह उन्हें दबा देगा बट वही यहां पे एक नॉक यहां पे देखने को मिले एमजीजेड के मार्क्स ने मेरे ख्याल से नॉकडाउन करा था एक प्लेयर को बट यहां पे सूर्या क्लोज इन कर चुके हैं दूसरा प्लेयर भी नॉकडाउन होता एक प्लेयर हो चुका था रिवाइव तो दूसरा प्लेयर नॉक हुआ कैरी अकेले हैं अंदर और एक बंदा बने एचपीएस तो दो प्लेयर अंदर हैं कैरी इज लास्ट मैन स्टैंडिंग ओवर देयर एंड उनको भी फिनिश करा कैरी बट एक प्लेयर खा गए हैं एमजीजेड के वहां पे सूर्य को खाया उन्होंने एंड मेरे ख्याल से मैक्स कश को भी खा चुके हैं वो अगर हम यहाँ पे बात करें यस मार्कोस गेमिंग के दो प्लेयर बचे बट वहाँ पे एक दो क्रूशियल किल्स वहाँ पे कैरी ने अपने लिए निकाले और यहाँ पे फनाटिक का स्क्वाड सामने टीम तमिलास के साथ लड़ता हुआ गोल्ड ब्लेड ने वहाँ पे किल कंफर्म करा और सोनिक फिनिश होता वहां पे स्वैग के स्प्रे से एंड यहाँ पे बट नीचे द डूड है जोन बेटा पान सिंह को लॉकडाउन कर दिया है मेगा के स्वैग ने सिंगल टैप पे गोल्ड ब्लेड भी स्पॉट कर चुके हैं स्वैग को बेटा पे बहुत प्यारा स्प्रे आता हुआ स्वैग के साइड से बिकॉज वो प्रोन थे वो लेजर स्प्रे देखने को मिला वो सिंगल टैप काम नहीं मेगा स्टार्स के प्लेयर्स यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए टीम नंबर यहाँ पे अगर आप बात करो फाइव दैट इज फनाटिक उनके पास अगर जोन देखो सारी टीमों को उनके पास आना है इनसेन का स्क्वाड अभी नजर आया हमें बट अब बात करें टीम तमिलास की वो एक वुडन चेक के आसपास उन्होंने व्हीकल के कवर बनाए बट अभी तक ये सफिशियंट है बट वीएससी के भी दो प्लेयर वहां पे दिखे हैं वहां पे एचपी स्पॉट हुए थे ईवो भी वो शेक देखते कितनी देर तक होल्ड कर पाते अभी फिलहाल जोन में है बट अगला जोन देखते कहां शिफ्ट होगा फनाटिक के साइड हुआ तो इट वुड बी ऑब्वियस की कौन सी टीम जीतने वाले बट अभी रिवाइव तुरंत ही मैंटी और वो भी काफी अच्छी पोजीशन में बिकॉज वो अपनी हायर एज से रोटेट करते हैं तो लोअर एज के प्लेयर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी ओवेस ने यहाँ पे देवेंद्र स्ट्राइकर को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है क्योंकि ये जो स्ट्राइकर है यहाँ पे तमिलास के उन्होंने अर्ली रोटेशन करी और हर बार ये टीम रोटेशन में ही मरती है यहाँ पर वीएचजी को रिवाइव करने की काफी जरूरत है एचबी ने यहाँ पे स्प्रे का गेम यहाँ पे खत्म कर दिया और नॉकआउट कर दिया अब अकेले प्लेयर बचे यहाँ पे मैंटीओपिया अगर मैंटीओपिया यहाँ पे अपने प्लेयर को रिवाइव नहीं कर पाते टीम तमिलास की काफी ज्यादा एग्जिट यहाँ पे हो जाएगी वीएचजी क्लॉर के एचबी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे स्काई मुझे समझ नहीं आ रहा करने की क्या कोशिश कर रहे थे बट पीछे से लेजेंड ने शानदार कवर दिया वीएचजी क्लॉर के प्लेयर्स को यहाँ पे नॉकआउट किया वो फिफ्थ पोजीशन पे निकलते हैं नॉकआउट होकर बट मैंटीओपी कंप्लीटिंग द किल ऑफ एचबी एंड ओवेस भी यहाँ पर मर चुके हैं फनाटिक को पहला एक कैजुअलिटी मिला बट धीरे धीरे प्लेयर्स अपने क्रॉल कर सेफ जोन में जाने की कोशिश करेंगे मैंटी ने स्ट्राइकर को रिवाइव कर दिया है तो अभी भी वो गेम से बाहर नहीं बट रॉनक ने नेट मार के स्ट्राइकर को नॉकआउट कर दिया एंड ये जो यूटिलिटी यूजेज है ये अलग ही लेवल इनक्रेडिबल है ऐश भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं वो स्मोक में जाना चाहते थे बट अब सो स्मोक छुए उससे पहले मैंटी ने उनको नॉकआउट करा रौनक भी खत्म हो चुकी है एंड दिस जो टीम थी चार प्लेयर की वो यहाँ पे खत्म होगी जस्ट बिकॉज जोन उनके बिल्कुल अगेंस्ट में था बट जो तमिलाज ने एक बहुत अच्छी चीज करी कि लेफ्ट साइड में स्मोक बॉल बनाया और ऊपर से वेट कर उनको पता था कि एक टीम ऐसी है जो जोन के बाहर निकलने के लिए उनको अर्ली निकलना पड़ेगा जल्दी निकलना पड़ेगा वहां से बट यहाँ पे हील बैटल करते हुए डूड एक प्लेयर नॉकडाउन करा ऊपर इंसेन स्काई को विद मोलोटो वन यहाँ पे बट लेजेंड वन एचपी निकालते हुए टीम तमिलाज एलिमिनेट होती हुई सात किल के साथ फनाटिक जो टीम एडवांटेज भी बट यहाँ पे टीम तमिलाज यहाँ पे आठ किल निकालते हुए बट यहाँ पे द डूड उनकी आखिरी फर्स्ट रेड बची है एंड दिस विल बी वन वर्सेस टू सिचुएशन द डूड को निकलना चाहिए बाहर और दो प्लेयर उनके सामने बट एक बहुत बड़ा रन लगेगा उनको एंड एफपीपी मोड में जा रहे क्या बचेंगे नहीं बचेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कम इन बट यहाँ पे एमजीज का स्क्वाड वापस से सेकंड पोजीशन निकालता हो बट इनसेन Tell me that you love me, even if